हूँ बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। कनाडा में समंदरी तूफान फियोना से तबाही, कैनेडियन वजीर आजम की जानिब से $300 मिलियन के रिकवरी फंड का ऐलान कर दिया गया। जस्टिन ट्रूडो का कहना था, हम फियोना से तामीर नौ में लोगों की मदद करने के लिए मौजूद हैं। GTA में रातों रात गैस की कीमतों में इजाफा, माहरीन की आइंदा चंद दिनों में ऑनटेरियो में गैस की कीमतों में इजाफे की पेशगोई। माहरीन का कहना है कि गैस की पैदावार में कमी से सूरत हाल संगीन हो जाएगी। कनाडा में हैंड गन बैन कानून लोगों को महफूज करने के लिए ज़रूरी है। कैनेडियन पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर का कहना है कि आतिशें असलहे की रोकथाम से लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाया जा सकेगा। बंदूक के तशद्दुद को ख़त्म करने के लिए हुकूमत अहम इकदाम कर रही है। रूस यूक्रेन जंग, यूरोप को तवानाई के शदीद बहरान का सामना। रूस की जानिब से गैस की बंदिश पे यूरोप में हलचल मच गई। जमहूरियत चेक में बच्चों में स्कूलों में कंबलों की तकसीम। ईरान के सुप्रीम लीडर ने मुजाहिरीन पर ताकत का इस्तेमाल जायज करार दे दिया। हलाकतें 135 हो गईं। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे 18 रोज से जारी हैं। यूरोपीय यूनियन का क्रैकडाउन में मुलविस ईरानी अहदेदारों पर पाबंदियों का अंदिया। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. Headlines आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने बहरे ओकियानूस के कैनेडियंस के लिए $300 मिलियन के रिकवरी फंड का ऐलान किया है, जो पोस्ट ट्रॉपिकल तूफान फियोना से होने वाले नुकसान से नबरद आजमा है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने बहरे ओकियानूस के कैनेडियंस के लिए $300 मिलियन के रिकवरी फंड का ऐलान किया है, जो पोस्ट ट्रॉपिकल तूफान फियोना से होने वाले नुकसान से नबरद आजमा है। ट्रूडो ने हैलिफैक्स में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तूफान से फौरी तौर पर मुतासर होने वाले लोगों की मदद के लिए फंड्स 2 सालों में तकसीम किए जाएंगे और तवील मुद्दती बहाली की कोशिशों में भी मदद मिलेगी। उनका कहना था कि यह फंड हर उस शख्स के लिए होगा जो किसी दूसरे प्रोग्राम में शामिल नहीं है। ट्रूडो का कहना था कि हम फियोना से तामीर नौ में लोगों की मदद करने के लिए मौजूद हैं, चाहे वो वफाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो लोग हों जो अपने घरों में गैर बीमा शुदा साख्ती नुकसान से चैलेंजेस का सामना कर रहे हों, हम मदद के लिए वहाँ मौजूद हैं। कनाडा के मुख्तलिफ इलाकों में तबाहकुन तूफान फियोना के 10 दिन बाद भी नोवा स्कोटिया में हजारों अफराद अब भी बिजली से महरूम हैं, जिन्हें ये तक नहीं मालूम कि बिजली कब बहाल होगी। नोवा स्कोटिया के प्रीमियर टिम ह्यूस्टन ने कहा कि उनके सूबे में 20,000 से ज्यादा रिहायशी अब भी बिजली से महरूम हैं और बहुत से लोगों की बिजली हफ्ते के आखिर तक बहाल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कंट्रोल जैसी चीज़ों के लिए इजाफी नफरी रखने से बिजली के महकमे के मुलाजमीन को आज़ाद किया जा सकता है और बिजली तेज़ी से बहाल हो सकती है। वजीर दिफा अनीता आनंद के दफ्तर के मुताबिक नोवा स्कोशिया, PEI और न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर में मजमुई तौर पर 850 फौजी बहाली के कामों में हिस्सा ले रहे हैं। महकमे के तर्जुमान ने एक मीडिया बयान में कहा, हम कामों को पूरा करने के लिए मुनासिब तादाद में अहलकारों की तैनाती जारी रखेंगे और जब तक उन अहम कामों को अंजाम देने में लगेगा वक्त, हम वहां मौजूद रहेंगे। GTA में रातों रात गैस की कीमतों में इजाफे के बाद माहरीन ने अगले चंद दिनों में ऑनटेरियो में गैस की कीमतों में इजाफे की पेशगोई की है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। GTA समेत ऑनटेरियो भर के सार्फिन के लिए माहरीन ने गैस की कीमतों में इजाफे का उंधिया दे दिया। माहरीन ने अगले चंद दिनों में ऑनटेरियो में गैस की कीमतों में इजाफे की पेशगोई की है। सनत के एक तजियाकार ने खबरदार किया है कि कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। कैनेडियंस फॉर अफोर्डेबल एनर्जी के सदर डैन मैकटैक ने मकामी चैनल को बताया कि वो तवक्को कर रहे हैं कि जुमेरात को ऑनटेरियो में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में
मजीद 6 सेंट्स फी लीटर इजाफा होगा। ये बुध की आधी रात के बाद मुतवक्के 10% इजाफे के सबसे ऊपर है, जिससे गैस की औसत कीमत 162.9 सेंट फी लीटर हो गई है। माहरीन ने पहले नोट किया था कि ये सब गुज़िश्ता दहाई में सूबे में सबसे ज्यादा एक रोज़ा इजाफे में से एक है। ये 1 लीटर पेट्रोल भी 4 अगस्त के बाद अपनी बुलंद तरीन कीमत पर ले आएगा और ये वाकई आलमी हालात की वजह से चल रहा है। खास तौर पर ओपेक पेट्रोलियम बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम, जिससे तेल की पैदावार में कमी का इम्कान है, तेल की कीमतों को वहीं तक ले जाना जहाँ उनके ख्याल में होना चाहिए, जो कि 76 सेंट या 77 के मुकाबले में $90 फी बैरल है। मैक टैग ने कहा, दुनिया पहले ही तेल की फराहमी की इंतहाई सख्त सूरत हाल से दो चार है, लिहाजा इस सप्लाई में किसी भी इजाफी कमी का मनसूबा बंद या दूसरी सूरत में कीमतों में इजाफे का मुतवक्के असर पड़ेगा। पब्लिक सेफ्टी के वजीर मार्को मेंडिचिनो ने हाउस ऑफ कॉमन्स की एक कमेटी को बताया कि कनाडा में हैंड गन तक रसाई को मजीद महदूद करने के लिए मुजवजा कानून साजी बिल C-21 बंदूक के तशद्दुद को ख़त्म करने के लिए अहम है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पब्लिक सेफ्टी के वजीर मार्को मेंडिचिनो ने हाउस ऑफ कॉमन्स की एक कमेटी को बताया कि कनाडा में हैंड गन तक रसाई को मजीद महदूद करने के लिए मुजवजा कानून साजी बिल C-21 बंदूक के तशद्दुद को ख़त्म करने के लिए अहम है। पब्लिक सेफ्टी कमेटी के सामने अपनी गवाही में मेंडिचिनो से खास तौर पर कई बार इस बारे में सवाल किया गया कि आया इस बिल का आतिशी असलहा खरीदने का हिस्सा बंदूक के तशद्दुद के इस वक्त बढ़ते हुए वाकयात को कम करने का सबसे मौसर तरीका है। बिल C-21 मंजूर होने की सूरत में हैंड गन की फरोख, खरीदारी या मुंतकली पर एक कौमी हैंड गन फ्रीज मुतारिफ कराएगा, सुर्ख परचम के कवानीन मुतारिफ कराएगा, आतिशी असलहे से मुतालिक कुछ जराइम के लिए ज्यादा से ज्यादा सजाओं में इजाफा करेगा और इससे ज्यादा के बाई पैक प्रोग्राम को नाफिज करेगा। 2020 में मुल्क में 1500 हमले की तर्ज के आतिशी असलहे पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। उनका कहना था कि ये वाजे है और जब मैं किसी ऐसे शख्स से मिलता हूँ जिसने अपने किसी प्यारे को खोया हो, वो यही कहते हैं मुल्क में स्टेटस को ऐसा नहीं चाहेगा कि ये बिल मंजूर हो। बिल के मुखालफीन का कहना है कि बायपैक प्रोग्राम बहुत महंगा है और ये कानून की पासदारी करने वाले बंदूक के मालिकान को सजा देता है, जैसा कि सरहद पर गैर कानूनी बंदूकों की स्मगलिंग को रोकने के जरिए बंदूक के तशद्दुद को मौसर तरीके से कम करने के बरखिलाफ है। अल्बर्टा, मिनीटूबा और सैस्कीचुआन के अहदेदारों ने कहा है कि वो वफाकी हुकूमत के बाय बैक प्रोग्राम की हिमायत नहीं करेंगे और कानून नाफिज करने वाले अहलकारों को इस काम की तरफ नहीं मोड़ेंगे। मेंडिचिनो का मजीद कहना था कि इस हुकूमत के ख्याल में एक मुनसिफाना बाय बैक प्रोग्राम को आगे बढ़ाना जो कानून की पासदारी करने वाले बंदूक के मालिकान को असॉल्ट तर्स की राइफलों के लिए मुआवजा देगा जो उन्होंने असल में कानूनी तौर पर खरीदी थी, हमारी कम्युनिटी को महफूज रखने के साथ मुताबकत रखती है और हम हमेशा अपने सूबाई और इलाकाई के साथ तआवुन करेंगे। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग की वजह से यूरोप को तवानाई के शदीद बहरान का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यूरोप में आवाम की परेशानियों में इजाफा हो गया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग की वजह से यूरोप को तवानाई के शदीद बहरान का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यूरोप में आवाम की परेशानियों में इजाफा हो गया है। यूरोपीय ममालिक को दरपेश तवानाई के बहरान के बाद जमहूरियत चेक में जेर तालीम तलबा और तालबात में कम्बल तकसीम किए गए ताकि वो क्लास में सबक के दौरान सर्दी महसूस न करें, जबकि सर्द मौसम और गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से स्कूल और कॉलेज में सर्दी से बचाव के लिए हंगामी इकदाम किए गए हैं। रूस के खिलाफ मगरबी ममालिक की जानब से आयद पाबंदियों के बाद रूस ने भी गैस वॉल्व बंद करने का इकदाम किया। रूस की जानब से ऐसा कदम उठाने के बाद यूरोप में हलचल शुरू हो गई कि आइंदा सर्दियों के दिन कैसे गुजरेंगे। वजारत सेहत ने स्कूलों में क्लास रूम्स के दर्जा हरारत को बढ़ाने और इमारत के बाहर से क्लास में दाखिल होने वाली हवा को रोकने की तजवीज़ पेश की है, जैसा कि क्लास रूम्स के बाहर स्कूल के अहाते में सर्दी को कम करना है और दर्जा हरारत को बढ़ाना है। मुल्क की वजारत सनअत और तजारत ने भी तवानाई के बहरान के नतीजे में अगस्त में एक खसूसी हुक्मनामा तजवीज़ किया था, जिसके तहत गैस की सप्लाई में नाकामी की सूरत में अवामी मुकामात के दर्जा हरारत को बढ़ाया जा सके। इस हवाले से हुकूमती तमाम इकदाम धरे के धरे रह गए और सर्दी ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। यही वजह है कि अब स्कूल की इमारत के अंदर का दर्जा हरारत बिलखसूस क्लास रूम्स में दर्जा हरारत 20 डिग्री से नीचे गिर गया और स्कूल इंतजामिया को तलबा में कम्बल तकसीम करना पड़े।
वाज़ेह रहे कि रूस और यूक्रेन के दरमियान 24 फरवरी को शुरू होने वाली जंग ने दुनिया में तवानाई का बड़ा बहरान पैदा कर दिया है। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरों में हलाक होने वालों की तादाद 135 तक जा पहुंची। उधर सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की हिमायत करते हुए मजीद क्रैक डाउन का अंदिया भी दे दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान के सुप्रीम लीडर ने मुजाहरीन पर ताकत का इस्तेमाल जायज करार दे दिया। पुरतशद्दुद एहतजाज में हलाकतें 135 हो गईं। यूरोपीय यूनियन ने क्रैक डाउन में मुलविस ईरानी अहदेदारों पर पाबंदियों का अंदिया दे दिया है। फ्रांसीसी वजीर खारजा का कहना है कि क्रैकडाउन में मुलविस ईरानी अहदेदारों के असासे मुंजमद और सख्त सफरी पाबंदियां आयद की जाएंगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान में 22 साल कुर्द खातून महसा अमीनी की पुलिस की हिरासत में हलाकत पर एहतजाज रुक न सका। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे 18 रोज से जारी हैं। पुरतशद्दुद मुजाहरों में हलाक होने वालों की तादाद 135 तक जा पहुंची है। उधर सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की हिमायत करते हुए मजीद क्रैकडाउन का अंदिया भी दे दिया। आयतुल्ला खामेनेई ने कहा कि बदअमनी खत्म कराने के लिए इससे सख्त क्रैकडाउन करना पड़ा तो करेंगे। उन्होंने मुजाहरीन पर ताकत के इस्तेमाल को जायज करार दे दिया है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।